केकड़ा मैन बैठा हुआ है अकेला। देख के कैसा लगा तुम? अबे ऐसा लग रहा ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर चल रही है। मछलियों की वैरायटी है यहाँ पर तो बहुत सारी। ये एक मछली ने आत्महत्या कर ली है इतनी सारी पब्लिक देख करके। देखो लोग ये मछली चेक करो गाइस, कैसी गंदी सी मछली है। देखो भाई यहाँ पर वो वाला मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस जो दुबई के अंदर मिलता है सबको, काफी ज्यादा खूबसूरत है भाई, मजा आ रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है भाई। तुम्हारे बराबर मछली लग रही है मेरे को तो। भाई सही में बहुत बढ़िया। जब आए हैं तो कुछ तो खा के जाएंगे यहाँ से। हम खाएंगे क्या? स्वीट भुट्टा। स्वीट भुट्टा भाई इसको बताइए ये बात। मैंने कहा भाई आपका 500 रुपये एक्स्ट्रा चलेगा, तो उस बंदे ने कहा रुको मैं चेक करता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सारे लोग ठीक होंगे भाई। आज बड़े दिनों बाद अपने ब्लॉग बनाने के लिए निकला हूँ भाई। इतने दिनों से कहीं जाना नहीं होता। जैसा मैंने आपको बोला था कि अपने दिल्ली दर्शन वाले टूर पे चलेंगे, ट्रिप करेंगे अपनी दिल्ली दर्शन की, उसके अंदर अपना एक नया एपिसोड है भाई। आज द्वारका जा रहे हैं। द्वारका में क्या है भाई, एक एक्वेरियम खुला हुआ है जैसे दुबई में आपने देखा होगा अंडर वाटर टनल, तो वही देखने जा रहे हैं भाई। मतलब कि मज़ा आएगा देखने में। मैंने भी अभी इसको वीडियोज़ वगैरह में देखा है, रील्स वगैरह में देखा, तो मैंने सोचा कि आपको जाकर और खुद भी शेयर करा जाए कि वर्थ है या नहीं है। मतलब लोग तो बोलते हैं कि वर्थ है, बट है या नहीं एक्चुअल में वो चीज़ पता लगेगी। क्योंकि अब कल के बाद देखा जाए तो आपको अपने को टाइम नहीं मिलेगा भाई बिल्कुल भी कहीं जाने, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी जो है मैंने सोचा कि आज लास्ट संडे है, अपनी एक वीडियो बन जाएगी। अपने रमज़ान के तो अलग ब्लॉग्स आएंगे ही आएंगे, जो अपने डेली रूटीन के होते हैं वो भी आएंगे। वैसे तो मैं डेली रूटीन अपना बनाता नहीं हूँ, बट रमज़ान के महीने में जब भी हम बाहर जाएंगे, जहाँ मस्जिद बाड़ा हिंदू रहा हो या कहीं पर भी एक्सेट्रा, तो ज़रूर उस चीज़ का मैं ब्लॉग बना के आपको बताऊँगा भाई, दिखाऊँगा। और जो लोग मतलब कि भाई अपने साथ मेरे इस ब्लॉग में आना चाहते हैं, किसी के पास अपनी बाइक है उस बाइक का रिव्यू करना चाहते हैं भाई, मतलब मैं अपनी ना एक नई सीरीज भी शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर बाइक के साथ हम दूसरों को भी उनकी बाइक का रिव्यू करेंगे। बोले तो जैसे मेरे पास R15 है तो R15 का मैं रिव्यू कर सकता हूँ, और अगर आपके पास जैसे स्कूटी है तो इस स्कूटी का आप भी रिव्यू कर सकते हैं मेरे साथ आके मेरी वीडियो में। तो अगर किसी को भाई इस तरीके से वीडियो में आना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे से, और मैं भी कोशिश करूँगा कि भाई जिसके पास जैसे नई बाइक हो या पुरानी बाइक हो या जो भी जैसी भी बाइक हो उस बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज है, तो उनसे बात करके उस बाइक के बारे में जाना जाए, ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं जो खरीदना चाहते हैं बाइक उसमें की। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है भाई, मतलब बादल बादल से होते हैं हल्के हल्के, और अब शाम हो रही है। ये जो भाई फरवरी और मार्च का महीना होता है ना, होता बड़ा ज़बरदस्त है भाई, कुछ भी हो एकदम मस्त ज़बरदस्त। मैंने सोचा था कि आज दोपहर में बारिश होगी भाई, बाइक धुल जाएगी फ्री में। तो भाई ये जो एक्वेरियम है या अंडर वाटर टनल कहते हैं जिसको भाई, ये है सेक्टर 10 और 11 में द्वारका के फिलहाल। तो अभी हम वहीं पर पहुँचने वाले हैं। बस देखो मेरे सामने दिखावा आ रहा है सेक्टर 10, 19, 20, 23, सेक्टर 10, 11, 12 इधर है। तो हमें 11 की तरफ जाना है, हम 11 वाले रूट पर जाएंगे राइट मोड़ करके, और देखेंगे कि वहाँ पर कहाँ पर है एक्चुअल में। देखो मैं भी नहीं गया, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो मैं भी जहाँ तक होगा आपको पॉसिबल बताऊँगा। बट मेट्रो का भी वे है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आप मेट्रो के थ्रू भी आ सकते हैं, सेक्टर 10 से मेट्रो है, ईजिली आ सकते हैं। मैं वो भी देख के आपको बताऊँगा कि कितनी दूर है, कितनी दूर पर मिलेगा आपको मेट्रो स्टेशन। जिनके पास बाइक नहीं है वो मेट्रो से हैं, गाड़ी नहीं है तो मेट्रो से हैं भाई। तो भाई आ गए अपने मेले की तरफ। बहुत सारा रश हो रहा है भाई यहाँ पर। तो ये देखो भाई कितनी भीड़ है, मतलब इधर तो पूरा जाम लगा पड़ा। हम भी रॉन्ग साइड आ गए हैं, और रॉन्ग साइड में भी लोगों ने गाड़ियाँ फंसा दी हैं गलती से, झूले वूले लगे पड़े भाई यहाँ तो। ओए 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 हो रहा है भाई यहाँ तो, मोए मोए हो रहा है, इतना जाम लगा पड़ा। पार्किंग कहाँ से है भाई? पार्किंग 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 मिल जा। अरे भाई कैसे चला रहा है भाई? यही लग रही है मेरे को पार्किंग, यहीं पे है पार्किंग है ना। हाँ तो यहीं पे होगा मेले के पास ही एक्वेरियम है। गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उसके बाद ढूंढते हैं हम भी। अंदर से ही है, उड़ा दें। चलो भाई किधर लगानी है बाइक? मौसम देखो क्या ज़बरदस्त हो रहा है भाई यहाँ तो, बादल बादल बड़े बड़े दिख रहे हैं। अच्छा किधर लगानी है? इधर ही लगानी है लग रहा है। हाँ यार कितना बढ़िया लग रहा है, यहाँ तो झूला अभी तक लगा हुआ है। कहाँ जाएगा भाई, क्या कर रहा है? इधर उधर घुमाया जा रहा है। हाँ तो मुँह से हॉर्न मार दो, डस्ट पार्टिकल्स। यही पार्किंग है लग रहा है, और भी कहीं पार्किंग है क्या? हैं हाँ किधर है? उधर है। हाँ इधर है भाई। ओए ओए मोए मोए आ ही जाएगा मुझे तो लग रहा है। अरे क्या हो गया, बैक क्यों नहीं हो रही? तुम ज़्यादा भारी हो गई लग रहा है।
देखो भाई कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, मतलब भाई 100 मीटर की तो लाइन लगी हुई है यहाँ पर अंदर जाने की, और पार्किंग भाई 50 रुपये की है यहाँ पर। तो भाई ये देखो रश चेक करो भाई, संडे को है भाई 150 रुपये का टिकट, मंडे को 100 रुपये का। कुछ ही नहीं है यार यहाँ पर, ऐसी है बस। ऑनलाइन होता तो बंदा डायरेक्ट वहीं से पे करके अपना आ जाए। हाँ मेरे पास ले लेना। तो भाई यहाँ पर कैश का ही काम हो रहा है, पेटीएम से कुछ भी नहीं है, आप कैश से ही अपने काम चलाएं। भीड़ देखो कितनी हो रही है, भाई ने मुझे टिकट दिलवाया भाई अभी। ओ भाई भीड़ चेक करो भाई, हाँ जबरदस्त भीड़ है, सब कुछ ब्लू कर रखा है, ब्लू है पानी। भाई ये मछलियाँ हैं, छोटी छोटी मछली के बच्चे देखो, बहुत छोटी हैं लेकिन है बहुत सारी भाई, रंग बिरंगी। केकड़ा मैन बैठा हुआ है अकेला, केकड़ा देख के कैसा लगा तुम्हें? अबे ऐसा लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर चल रही है। मेरे सर पे से यूं हाथ डाला और वीडियो बना लिया। सही है, अपनी हाइट का फायदा उठा लिया। और भाई नई तरह की मछली अच्छी लग रही है यार, छोटी छोटी सी मछलियाँ तो यहाँ पर ही। ये नई मछली आ गई भाई यहाँ पर, देखो काले कलर की मछलियों की वैरायटियाँ हैं यहाँ पर तो बहुत सारी। लेकिन भाई ये जो इन्होंने एटमोसफेयर कर रखा है बड़ा अजीब सा कर रखा है, डार्क सा, काले ही कर देते पूरा। लंबी चौड़ी मछलियाँ ऐसा मरीन लाइफ में आ चुके हैं भाई, इतनी सारी मछलियाँ हैं यहाँ पर, लेकिन रश बहुत है भाई, रश की वजह से सही से नहीं हो पा रहा सब कुछ। ये मछली तो इमरान भाई ने पाल रखी है, बच्चे तो खुश होगा मछलियाँ देख के इतनी सारी। पकड़ लो। ये एक मछली ने आत्महत्या कर ली है, इतनी सारी पब्लिक देख करके। देखो लोग गाइस, देखो ये मछली ने आत्महत्या कर ली है यहाँ पर, उन्हें बैठी हुई है, एक ने इन सब ने इस वाली को बायकॉट कर दिया है, इसलिए मर गई है वाली। ये मछली चेक करो गाइस, कैसी गंदी सी मछली है, देखो भाई ये देखो कितनी अजीब सी मछली हो रही है। अरे नकली नहीं है, असली है लेकिन बहुत अजीब सी मछली है। अरे नहीं हाँ यार ये ऐसी है, नहीं नहीं असली है, उसकी आँख हिली है, इसकी आँख हिली है। देखो भाई इसकी आँख हिली है, असली है, ऐसी पड़ी हुई है लाश की तरह। देखो ये भी आत्महत्या करने वाली है थोड़ी देर के अंदर। अरे भाई बहुत सारी मछलियाँ अलग अलग तरह की, मतलब देखो भाई कैसी लग रही है देखने में, अजीब सी है ना बिल्कुल ही, नए टाइप की मछली है। अरे स्टैचू नहीं, ओरिजिनल है ये। भाई मछलियाँ तो बहुत सारी हैं यहाँ पर, बस भाई देखने वाली है अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ हैं। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कैसी हैं। अरे लगी तो नहीं, ये देखो भाई क्या मछलियाँ हैं यार, क्या मछलियाँ हैं, कैसे चल रही हैं भाई। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि समुद्र की लाइफ में आ गया हूँ मैं, यहाँ से अगर बनाऊँगा ना ऐसा लगा समुद्र में हूँ। ओ गाइस अब आपको दिखने वाला है असली चीज़ भाई, देखो पहले जो चीज़ थी वो नकली थी, अब आई असली चीज़, देखो दुबई वाली चीज़ अब है बढ़िया चीज़ भाई, लेकिन छोटी मछलियाँ हैं बस यहाँ पर। अभी मैं अंदर लेके जाता हूँ, देखो ये चीज़ है जो मेन है, इसको देखने के लिए ही बंदे उतावले हैं भाई, दिखा रहे तो है भी भाई, अब रुके हुए लोग। ये बढ़िया है भाई, ये देखने में मज़ा आएगा। ये
कान फोड़ रहा है भाई। यहाँ पर वो वाला मतलब मीडिया एक्सपीरियंस जो दुबई के अंदर मिलता है हम सबको, मतलब चारों तरफ से भाई दुबई दुबई वाली फीलिंग आ रही है। ज्यादा खूबसूरत है मजा आ रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है भाई। ये वाला एक्सपीरियंस है भाई, ये वाला मतलब दुबई का तो सही बड़ा है, बट ये वाला बहुत ज्यादा बड़ा है भाई। बहुत लंबा टनल है भाई, अभी होगा भाई 50 मीटर के आसपास। लगा तुम्हें मछलियों को देख के बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। यह दुबई का जो है थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है भाई, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है ये भी देखा जाए तो भाई। मुझे वहाँ पे लग रहा था कि नहीं होगा भाई ऐसे ही बना हुआ, बट यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि ये सब बना हुआ भाई। देखो ये लगी वाह, दीवार से चिपक के चल रही है, पकड़ो, इतनी खूबसूरत है भाई सारी, मतलब भाई वसूल हो जाएंगे आपके 150 रुपये भी अंदर चल रहे हैं। मेले की भी टिकट इसी के अंदर है, तो अंदर चल के वो भी देखेंगे भाई कैसा है माहौल, बट अच्छी चीज़ है भाई। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, अमेजिंग एक्सपीरियंस है, अच्छी मछलियाँ भाई। उधर से शुरू होता है तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं है कुछ भी अंधेरा अंधेरा, बट यहाँ पे आने के बाद मज़ा आ गया भाई। बेचारी कोने में छुप गई है मछलियाँ इतनी पब्लिक देख करके। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है ऐसा यहाँ पर, इतनी पब्लिक पहली बार देखी है, कोई बात नहीं, समुंदर में छोड़ देंगे वहाँ कोई नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी मछली है, हाथ देखो इतनी बड़ी मछली है, ऐसे बड़ी मछली हो भाई, ये है मछली, इसे कहते हैं मछला, ये देखो कितनी बड़ी मछली, मेरे हाथ के बराबर मछली है, तुम्हारे बराबर मछली लग रही है मेरे को तो। ओ भाई सही में बहुत बढ़िया, ये है मछली, अरे भाई कितनी बड़ी, बेचारी को लेकिन कम जगह दी है इसलिए फंस गई यार, ये ऊपर जाकर घूम नहीं पा रही है। ये वो वाली जो वहाँ मिलती है खाने को, वही वाली है ना जो काट देते हैं ये लोग, देखते हैं कौन से कहते हैं मूछों वाली मछली, वो ख़त्म हो गई। ओ भाई फिर टनल ख़त्म हो गया यहाँ पर। ओह अब यहाँ पर है भाई अपना ये मेला, मेले की एंट्री होती है भाई, जैसे फिश टनल ख़त्म होता है, 20 रुपये की सेल, 20 रुपये की सेल, खरीद लो सब कुछ। अरे तो बहुत छोटे छोटे सामान है भाई यहाँ पर, तो भाई ये सब जितनी भी दुकानें यहाँ पर लगी हुई ना सारी की सारी, और ये जो है भाई देखो अंकल के यहाँ मैं खड़ा हुआ पोटली बैग, और ये सब भी लेडीज़, देखो भाई लेडीज़ों की होती है मार्केट, जेंट्स तो बड़ा कम खरीदते हैं, झूले वूले हैं, बच्चों बच्चों को घुमाओ फिराओ, मतलब जो इनके जो रेट्स हैं ना भाई दुकानों के भाई बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं, मतलब 100 रुपये 50 रुपये में चीज़ मिल जाएगी आपको। और भाई देखो झूलों का जो रेट है वो मैं आपको पता करके बताया था, मैं तो झूला झूलता नहीं हूँ भाई, लेकिन ज़बरदस्त है यहाँ का हिसाब किताब भाई, जो भी है जो प्राइसिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ज़्यादा नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा हो कई कि मेलों में ना बहुत ज़्यादा होती है, बट इनके जो भाई एंट्री टिकट है वही 150 रुपये का है सैटरडे संडे, तो उसमें थोड़ा भाई कवर अप हो जाता है इन लोगों का, कहीं पे वो चीज़ कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है वो चीज़, तो ये चीज़ है बस। बाकी भाई जो चीज़ें यहाँ पर मिल रही है ना स्टॉल पर, ये बिल्कुल सस्ती मतलब अपने जायज़ रेट पर है। जब आए हैं तो कुछ तो खा के जाएंगे यहाँ से, हम खाएंगे क्या, स्वीट भुट्टा, स्वीट भुट्टा भाई इन्होंने लिख रहा है, अमेरिकन भुट्टा दिखाता हूँ मैं नाम, अमेरिकन भुट्टा है, भुट्टा यहीं का बता दिया अमेरिकन, कितने रुपए, 80 रुपये का भुट्टा, 80 रुपये का भुट्टा, अमेरिकन है ना इसलिए महंगा है, मसाले वाली चटनी बिकती है भारत से लग रहा है, इंडियन होता तो सस्ता होता, अमेरिकन भुट्टा है इसलिए महंगा है, समझ आई मेरे को, नहीं इनका भुट्टा ना बड़ा भी देखो साइज, अच्छा अच्छा भुट्टा है, बड़ा भुट्टा, उधर ट्विस्टर मिल रहा है, पोटैटो ट्विस्टर, ये भी खाली है, और कौन सा भरा है, फाइनली भाई मिल गया हमें अमेरिकन भुट्टा बड़ी देर बाद, मसाला कम है थोड़ा सा, मसाला डाल दो अलग से, अलग से डालना पड़ेगा मसाला, अरे वाह पैसे भी रखे हमारे, पैसे तो उठाए नहीं हमने, पैसे बोलने के आया बहुत तगड़ी हो गई भाई,
हाँ ज्यादा होगा मेरे पास, ऐसा लग रहा है। कितना गर्म हो रहा है, पीछे तो हो जाओ, ये खाओगे अमेरिकन भुट्टा। अमेरिकन भुट्टा खाने का ही मजा अलग है भाई। तो भाई ये चल रहा है झूला, और ये झूले की जो कॉस्ट है भाई सैटरडे संडे 150 रुपये है, और बाकी दिनों में 100 रुपये हो जाती होगी। और बाकी के झूले जो है उधर वाले बंद पड़े हुए हैं। ये झूला चल रहा है एक अभी फ़िलहाल यहाँ का, और एक वो वाला चल रहा है वो सामने। मेले से बाहर आ चुके हैं अब, और यहाँ पर भी देखो खाने पीने का सब प्रोग्राम है बाहर भी, मतलब जो अंदर नहीं खा रहे हो बाहर, अंदर महंगा मिल रहा है तो बाहर आके खा लो, पता है बाहर आके खा लो, सेम रेट पे नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क होगा भाई, और बहुत सारी वैरायटी भी है बाहर की तरफ। तो अभी झूले के अंदर से हम बाहर आ गए, देखो यहाँ से एंट्री थी और वहाँ से हमारा एग्जिट हुआ था। अब हम चल रहे हैं वापस अपनी पार्किंग की तरफ, और अपनी बाइक उठाएंगे फिर चलेंगे, फिर मैं आपको बाइक के ऊपर बताता हूँ बाकी की बातें। बहुत सारी बातें हुई हैं भाई अपने साथ, वो जा रहा है जहाज, देखो एरोप्लेन, बाय बाय। भाई अभी एकदम से आवाज़ आई यहाँ से चीखों की, देखो ये झूला देखो भाई, चीखों की आवाज़ आ रही है, भाई इतना खतरनाक तरीके से तुम्हें बिठाना चाहिए था इसके अंदर, है ना। ओ भाई क्या है, चीख रहे हैं उसके अंदर, उल्टा हो जा रहा है बिल्कुल यार, ये झूला है क्या है, इसमें तो कभी ना बैठूं मैं, देखो तो सही। अबे भाई पूरा खड़ा कर दिया वो तेरी। चलो भाई हम तो निकले यहाँ से अपनी बाइक, टाइम भी होगा निकलने का, चले भाई। तो भाई निकल रहे हैं अभी यहाँ से, अभी मैं पार्किंग का भी बताता हूँ भाई, 50 रुपये के पीछे यहाँ पर बंदे ना लड़ रहे हैं पार्किंग है, और देखा जाए तो भाई बस हम भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे ही रुके हैं यहाँ पर, मतलब 1.25 घंटे हुए हैं अभी, और उसके इन्होंने मतलब चार्ज जो ले रहे हैं 50 रुपये लिए इन्होंने, बच गया भाई ये। स्लिप तो ले लो, कौन लेगा स्लिप, अच्छा इसको देनी है, हाँ हाँ भाई ये लो एक, यहाँ भी है, चलें भाई अभी इनको एक और मैं आपको बात बताता हूँ भाई जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 31 मार्च तक मेला तो है ही है, आ करके आप मज़े कर सकते हैं, लेकिन यहीं से निकल जाते हैं हम बाहर, आउट हो लेते हैं। ओवरऑल जो भाई है अपना एक नया एक्सपीरियंस वो इसी चीज़ का था, जो अपना एक्वेरियम हमने जो देखा है भाई वही एक नया एक्सपीरियंस है भाई यहाँ का। बाकी मेला तो देखो हम पीछे भी घूम के आ चुके हैं, और बहुत सारी जगहों पर घूम चुके हैं, तो उसकी तो कोई वो बात ही नहीं है, वो तो हमेशा हर जगह एक जैसा ही होता है, मतलब सामान वही मिलता है और झूले वगैरह भी वही होते हैं। जो एक्वेरियम है भाई मेन जो है अट्रैक्शन वही है यहाँ का, उसी के लिए लोग आ रहे हैं, और अच्छा बना हुआ है वैसे देखा जाए तो वो भाई, क्योंकि कंपेयर टू अगर आप बाहर दुबई वही देख के आएँ तो आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन भाई अच्छा है बना हुआ यहाँ के हिसाब से, और अच्छे मतलब मछली की जो वो है ना मतलब स्पेसिस वो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और मतलब बढ़िया लगा भाई अंदर घुस करके मुझे, तो देखो मैं तो दुबई गया नहीं हूँ लेकिन मुझे फिर भी अच्छा लगा यहाँ का, दुबई का देखा था तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बढ़िया भी अच्छा है, और यहाँ का भाई मैं मतलब आपको बताऊँ तो ये बढ़िया बना हुआ बिल्कुल। रश कितना इतना था भाई कि कहने कुछ बात नहीं, वहाँ पे जब हम गए हैं तो भाई क्या कहते हैं उन्होंने पार्किंग के पास, हाँ पार्किंग के पास, एक तो पार्किंग के अंदर का मैं आपको सीन बताता हूँ भाई क्या हुआ। मैंने दिए भाई 500 रुपये का नोट पहले, तो 500 का नोट दिया भाई को, उसने वो ही पकड़ लिया, कहता यार खुले नहीं है, पहले उसने ही बोला बड़ा नोट दे दो मेरे पास खुले हैं, मैंने दे दिए भाई 500 रुपये, फिर क्या हुआ भाई उसने कहा खुले नहीं है भाई, मैंने 100 का नोट दे दिया, 100 का नोट दोबारा ले, थोड़ा सा फटा हुआ था, तो कह रहा चलो कोई नहीं ये ले लूँगा, उनने 100 का भी रख लिया और 500 का भी रख लिया, और मैं गया भूल भाई, उनने 50 रुपये मेरे को दे दिए। उसके बाद क्या हुआ भाई, मैंने अपने ऐसे रख के मैं लाइन में लग गया भाई, लाइन बहुत लंबी थी, मैंने आपको दिखाई, लाइन में लगे लगे भाई मेरे को टिकट लेना था, क्योंकि जब भाई आए थे पीछे खड़े हुए थे उन्होंने बोला कि भाई टिकट लेकर के आना है, वो लेने का मैं भी उनके साथ गया, मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पर भी बहुत तगड़ी भीड़ भाई, मारम पिट्टी चल रही एक दूसरे के साथ, मतलब भाई बहुत रश भाई बहुत रश भाई। उन भाई ने मेरे से पैसे लिए, अच्छा मैंने उसमें से 500 रुपये निकाले, जब मेरे को पता लगा कि मेरे पास 500 रुपये कम है, क्योंकि मैंने उससे वो 500 लिए ही नहीं भाई। अब जब मैं उसके पास गया, अब ये क्या क्या होता है जल्दबाजी में होता है कि मैंने उसके पास गया, उसने एकदम से वो भी मांग लिया, वो भी रख लिया और ये भी रख लिए, उसने वो 500 रख लिया, बट बाई चांस ऐसा होता कि अगर मेरे को याद नहीं रहता तो हम गए थे 500 रुपये। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, जितने मतलब पैसे होते हैं उतने ही दें, उतने ही निकालें या कैसे दें, और ऑनलाइन ये पेमेंट ले नहीं रहे भाई तो कैश रखें, और 50 रुपये ही दें, ज़्यादा रुपये देंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो सकते हैं। बट बाद में मैं गया तो मैंने उसको बताई ये बात, मैंने कहा भाई आपके पास 500 रुपये एक्स्ट्रा चलेगा, तो उस बंदे ने कहा रुको मैं चेक करता हूँ भाई, उन्होंने चेक करा भाई, उसके पास एक्स्ट्रा थे,
उसने मुझे वो वापस कर दिया भाई 500 रुपये, क्योंकि 2-3 बंदे थे वो समझ गए। लेकिन भाई अगर नहीं याद रहता मेरे को तो चले गए थे, समझ लो बंदों ने ईमानदारी दिखाई। मैंने भी फिर मैंने ज़्यादा बहस करने वाली बात नहीं थी, मैंने उनको यही बात बोली, मैंने कहा भाई आपकी ईमानदारी अगर आप देते हो वरना कोई बात नहीं। देखो फिर उसने भाई ईमानदारी से उसने मेरे 500 रुपये वापस कर दिए, बट अगर भूल जाते तो फिर ख़त्म ही हो जाते ना। अब मिल गए भाई मेरे पैसे तो, बट इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना भाई, जो अपना कैश है ना वो खुले लेकर के, और रश बहुत ज़्यादा होता है सैटरडे संडे को, अदर डे पे कम होगा बट सैटरडे संडे भाई बहुत रश है, बहुत रश है। और अपना कैश की पेमेंट लेकर के आएँ तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से तो। और मैं तो कहता हूँ कि भाई मेट्रो से आएँ, क्योंकि अगर आपका मेट्रो पर रूट पड़ता है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेट्रो सीधी लाएगी 11 आपको 10-11 सेक्टर उतने, ई रिक्शा पकड़ें और आ जाएँ फैमिली के साथ आ रहे हैं तो। बाइक पर आओगे तो देखो अंदर पार्किंग में जाना पड़ेगा भाई, रश वश हो जाए तो फंस भी सकते हो, और भाई जो है पार्किंग के 50 रुपये हैं। फिर बाइक का भाई देखो, बाइक भी पेट्रोल से चलती है तो भाई कन्वेंस उसका भी लगता ही है। तो मेट्रो से आओ आराम से, इजी बीजी आराम से रुको, साफ़ सुथरे आओगे, साफ सुथरे घूमो फिरोगे और साफ़ सुथरे चले जाओगे। लाइन में लगो, और लाइन का ऐसा है कि लाइन भाई आगे लगी हुई थी, टिकट लेकर के हम आगे गए तो आगे से हम वहीं से लग गए और हम अंदर भी चले गए भाई। मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं है कि लाइन बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से चल रही हो, ऐसा कुछ नहीं था। लाओ भाई हिसाब कर दो, लाओ भाई हिसाब कर दो, तुम कितना बन रहा है भाई हिसाब? हाँ भाई तुम क्या फाड़ रहे हो? अरे यार कुर्ता सिल दो भाई, ले के आऊँ? सब काम में लगे मैं कर्मचारी भाई। कुर्ता भाई सिल दो, दो यार अपने, एक सिल देना एक मेरा सिल देना। हरा वाला और कौन सा है? अरे भाई एक महीना है बस ईद में, अब ईद में पहनेंगे उसको। तारिक के वलीमे में तो किसका वलीमा किसका होने वाला है? किसी का कदम होगा, सारे वलीमे शादियाँ हैं तो कोई नहीं बना के रख लेते हैं, मन करेगा तो पहन लेंगे वरना नहीं पहनेंगे। भाई इनको जानते हो ना तुम? ये इधर देखो यार, हाँ जानते हो ना भाई इनको? चलो भाई इधर देख लो भाई इधर को नहीं जानते भाई, इन्हीं को जानते हैं लोग मेरे ब्लॉग वाले नवी लाई को तो सारे लोग जानते हैं। क्यों फिर है? मैं बस इधर गया था यार द्वारका, वो देखने दुबई वाला यहाँ पर बना हुआ है ना सेकंड कॉपी एक्वेरियम, वो देखने गया था। मज़ा आ गया देख के, बढ़िया है। तो गाइस वापस आ चुके हैं अपने घर पे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई वहाँ पर। मैं तो चाहूँगा कि आप भी एक बार जाएँ और देख के आए ये नया एक्सपीरियंस है वहाँ का, मतलब जो भी था एक्वेरियम, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले मैंने तो कभी नहीं देखा, बाकी और जगह भी होगा बट मेरे लिए तो बड़ा मज़ा आया भाई वहाँ पर। आप भी जाइए एक बार देख के ज़रूर आइए, और फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।